हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एनसीईआरटी निचोड़। जैसे ही बताया मैंने अपना एनसीईओ यूट्यूब चैनल पर, मैं वीडियो नहीं करता हूँ, मैंने भी वाली भी प्राइवेट कर दी फॉर द सम रीजंस, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आपको सुनना है तो ठीक है, आप ये रिव्यू देख सकते हैं। ये मुझे 2 दिन पहले बुक मिली थी, तो मैंने इसे एक दो चैप्टर इसका रिवाइज किया है, पढ़ा है, तो देख सकते हैं आप। अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये रिव्यू वीडियो है। और स्पेशल रीज़न इसलिए था, डॉक्टर एबी के सर की वजह से मैंने रिव्यू बना रहा हूँ। मतलब उन्होंने एक नहीं कहा, आई रिसीव ए पैम्पलेट ऑल्सो इन दिस। आई डोंट नो किस किस ने रिव्यू बनाए, क्योंकि मैं ज़्यादा सर्च नहीं करता यूट्यूब वगैरह पर। तो आप देख सकते हैं, इसमें मेल विद मेंटर है और मैं जेन्युइनली सर से मिलना चाहता हूँ। आई डोंट नो मैं मिल पाऊंगा या नहीं, पर आफ्टर क्लियरिंग माई एग्जाम आई होप मैं मिल ही पाऊंगा। अगर इसने से नहीं मिल पाया तो ऐसा कोई बात नहीं है। वैसे मेरी एबी के सर से जीमेल पर बात भी हुई थी, मेल से उन्होंने किया था मुझे, तो देख सकते हैं। पहले ऐसे छोड़ते हैं अभी। सर आप देख रहे हो तो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी निचोड़। जैसे कि इसके एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी की भी आती है, वो मैंने 3 4 मंथ पहले इसका रिव्यू किया था, उस पर काफ़ी अच्छी सबको लगी थी वो, और उसमें 4,000 के करीबन रिव्यूज़ भी वो आ गए थे व्यूज़। तो वैसे बात नहीं है, व्यूज़ के लिए नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं जेन्युइनली ले सकते हैं। उस बुक ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, इसलिए मैंने केमिस्ट्री एनसीईआरटी निचोड़ ली है इससे जी, ताकि मेरा फर्स्ट रिवीजन हो सके। और इस रिव्यू में मैं इसके आपको प्रोज बताऊंगा, कौनस भी बताऊंगा, दर्जन। चलो स्टार्ट करते हैं। यह है सेल्सियस इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था, जो कि हाँ डॉक्टर्स के द्वारा चलाया जाता है। ये नीट जी का इनका ऐप भी है। तो स्टार्ट करते हैं, बुक कैसी है ये, इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है और इसमें क्या क्या इसके प्रोज हैं। तो ये एनसीईआरटी निचोड़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों सेक्शन दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए हैं, ऐसे नहीं दिया गया है मिक्सअप करके, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड द फिजिकल केमिस्ट्री। और ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो होते हैं इनमें हमें रिवीजन ज़्यादा करने पड़ते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो काफ़ी भूलने वाला है थोड़ा। तो उसमें देख सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन है। वैसे ऑलरेडी मैंने देखे क्वेश्चन काफ़ी कम है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी में वैसे तो क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, पर ये जल्दी रिवीजन के लिए बनाई गई है, ना कि आपके डिटेल्ड वे के लिए। तो इनकी ऐप है, ये आप देख सकते हैं, इनमें MCQs वगैरह सोल्व कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। और पहले बता दे रहा हूँ, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, या सर ने कहा है, ये तो मैंने सर ने इसमें दिया है, और मुझे काफ़ी जेन्युइनली बुक अच्छी लगी, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, सर आप परचेज भी कर सकते हैं, मैंने अमेजोन से ली है। ये है 400 रुपीज़, 399 रुपीज़ की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 394 में पड़ी है ऑलरेडी, पर 400 पे किया है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, सबसे पहले इनऑर्गेनिक में देख लेते हैं, वो इनऑर्गेनिक में क्या क्या इसमें अच्छे तरीके से दिया गया है। ये हमारी पीरियोडिक टेबल दे देते हैं लॉन्ग फॉर्म की, और ऐसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी बात ये लगी मुझे, बिल्कुल पाई चार्ट से दे रखा है, ताकि हम अपने माइंड में अच्छे तरीके से समराइज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा पाई चार्ट दे रखा है, ताकि हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सेटअप हो जाए, और अगर हमें शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। शॉर्ट नोट्स बनाने में वैसे तो अपने शॉर्ट नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, पर जैसे कि आपको पता है उनमें काफ़ी टाइम लगता है, और इसमें कुछ खराबी भी नहीं है, तो हम इसे परचेज कर सकते हैं और इजिली अपने नीट या कोई भी एग्जाम से पहले काफी जल्दी पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, ताकि हम अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकें और एक्सेल कर सकें एग्जाम को। तो इसमें देखो सब तरीके से दे रखा है, बिल्कुल सिक्वेंशियल वाइज है, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में से कुछ भी, और एरर बहुत कम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है एरर्स, अगर बुक में एरर्स हो तो सब पढ़ने का भी नहीं मन करता, इसमें एरर्स बहुत कम है, क्योंकि मैंने इसमें ऑर्गेनिक पढ़ी थी और उसमें एरर ना के बराबर ही थी, इसलिए मैंने इसे बुक को लिया था, क्योंकि जो एनसीईआरटी बायोलॉजी निचोड़ है इनमें भी काफ़ी कम एरर थे, एक आधा तो बुक में आ ही जाता है कहीं कहीं पर वो कोई इशू नहीं है, वो तो एनसीईआरटी में भी आ जाता है, पर कोई एरर नहीं था, एरर लेस है वैसे तो ये बुक काफ़ी। इसमें इसमें चैप्टर्स दिए हैं इनऑर्गेनिक के, आप देख सकते हैं,
और नाइन चैप्टर्स इन ऑर्गेनिक। सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक दिखाना चाहूंगा, एंड दिस इज कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। इसमें अलग अलग फैमिली से दिए गए हैं कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस। देख के कैसे आपने पाई चार्ट, आपको मजा ही आ जाएगा अगर आप ये पढ़ेंगे तो। सारे इसमें डायग्राम्स दिए गए हैं, चार्ट्स, पाई चार्ट, सब कुछ दिया गया है जो कि हमारे एनसीईआरटी में है। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीजन करने के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी बुक साबित हो सकती है, काफ़ी जल्दी आप डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा आइसोमेरिज्म होगा, पिछला हमारा आयुपैक्स हो गया था, और इसमें आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आपके 4 या 5 पेज में आपका पूरा डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कंसाइज वे में दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी एनसीईआरटी इन्होंने चार चार बुकों को सिर्फ 196 पेज में किया है, और आप कह सकते हैं 190 पेज में, 4-5 पेज तो वैसे भी होंगे ना, तो कोई बात नहीं। तो इसमें ये दिया गया है, मैंने पढ़ लिया है, और इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक का यहाँ पर वो भी दिया गया। अगर आपके पास अभी आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मुझे लगता है पक्का अच्छी बुक होगी, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। ऐसे जिन्होंने बुक अच्छी करी है तो क्वेश्चन भी अच्छे होंगे। पर अगर आपके पास ऑलरेडी एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स और कोई भी बुक है, जो बस एरर कम होने चाहिए बुक में, आप उसे ही सोल्व करो बार बार, क्योंकि आप अगर 10 बुक्स लोगे और उसे एक एक बार सोल्व करोगे, वही आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी और इफिशियंट भी नहीं होगी। और अगर आप एक ही बुक को 10 बार करोगे, वो ज़्यादा अच्छी होगी मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप देख सकते हो, आप ले भी सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर बाय द वे बुक तो मे भी अच्छी होगी। और मैं अभी अगर सोचूँ, अगर मैंने अपना एमटी जेन चार्ट और फिंगर टिप्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया और रिवाइज कर लिया, तो फिर मैं भी उसे ले लूंगा, सोल्व कर लेंगे उसे लास्ट के टाइम में, जल्दी जल्दी। 1 डे 1 चैप्टर करेंगे तो हो ही जाएगा, 30 डेज में, 15 डेज में कर लेंगे, 2 चैप्टर कर लेंगे। तो इसमें अलग अलग दिए गए हैं, इसमें ये अल्कोहल आ गया, बुक की करते हैं बात। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं इसमें आपको क्या फायदा है। इसमें आपको एक शॉर्ट्स नोट है, सिंपल बात है, और एनसीईआरटी बेस्ड है ये। आप दूसरा प्रोज हो गया शॉर्ट नोट्स। आप इसे कोई भी, अगर आपका टेस्ट सीरीज हो उससे पहले, आप काफी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम जाने से पहले आपको काफी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और सबसे पहले बता दूं, ये कोई डिटेल्ड बुक नहीं है। डिटेल बुक होगी मीन, क्योंकि ये रिवीजन के लिए बनाई गई है स्पेशली, ना कि डे टू डे यूज के लिए। अगर आपके पास अपने डिटेल नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वे खराब है, पर आप डिटेल नोट्स को लास्ट में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है ना। कैसे करोगे, कोई भी नहीं कर पाता है डिटेल नोट्स को। आपको रिवीजन जो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, आप जैसे भी करोगे अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपके ऐसा नहीं है कि आपने जो डिटेल नोट्स बनाए हैं बेकार हैं, वे भी काफी अच्छे हैं, उसमें आपको बिल्कुल दिया गया है, पर आप इससे काफी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो ये है हमारा, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस तरह की इसमें हमारे जितने भी ऑर्डर्स दे रखे हैं, वो अगर आप समझेंगे नहीं, क्योंकि वे कनेक्टेड होते हैं, एक ऑर्डर से एक ऑर्डर कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आप इतने ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें स्पेशल ऑर्डर्स दे रखे हैं एक पार्ट में। मेरे से तो नहीं हो पाने के इतने सारे ऑर्डर, हाँ, पर अगर कनेक्टेड हुए तो मैं आप काफी अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। इसी बुक में मिल जाएंगे आपको, मैंने अभी देखे थे, मैंने पढ़े भी थे। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर आपने पहले उनका मैकेनिज्म समझ रखा है, तो आप यहाँ से बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। आपको बुक में हैसल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बुक, और सबसे अच्छी बात है बुकों के पेज काफी अच्छे हैं, क्योंकि मैं बुकों को रखने के लिए शौकीन रहता हूँ, मैं अपने पास रखता हूँ। मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं, तो बुक काफ़ी अच्छी है, और इसकी नई बुक की तो स्मेल भी अच्छी, काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी अच्छे पेज हैं इसके। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने रेड से मार्क करके भी दे रखे हैं, देख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो ये इम्पोर्टेंट है, पर जो भी है, हाँ इम्पोर्टेंट ही है, अच्छे हैं। इसमें थर्मोकेमिस्ट्री सब, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हो, अगर आपने पहले अपना कंप्लीट कर रखा है। आप इसे 2 या 3 दिन में अपना जल्दी जल्दी रिवीजन करके, इस पे मार्क करके, इसे जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट द रिव्यू। अगर सर आप देख रहे हो तो थैंक यू सर। सबसे पहले ये सर, पहले ही बता दूं मैं, ये मील वगैरह के लिए तो सर चलता है, पर आपने इतनी अच्छी बुक हमारे लिए डिजाइन करी, थैंक यू सर फॉर दिस।
और आप इसकी टेस्ट सीरीज भी आ सकती है, उसे भी देख सकते हैं जो भी इसमें अंदर दी गई है। तो थैंक यू गाइस।